वालेकुम आदाब आप देख रहे हैं प्रोग्राम चाय खाना और मैं हूँ आपका मेज़बान हसब रिवायत खुरम सोहेल आज बहुत सारी बातें हैं मेरे पास करने को लेकिन अगर मैं बहुत मख्तसर करके आपको बताऊं तो आज हम जिस शख्सियत पर बात करेंगे आर्ट की दुनिया में जब तक वो मौजूद थे तो वो एक बहुत बड़ा नाम थे और वो चले गए तो आज भी वो एक बड़ा नाम है उन्हें फ़खरे पाकिस्तान कहूँ तो गलत ना होगा उनका नाम था आज़िर ज़ूबी और जो भी पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर आर्ट की दुनिया से मोहब्बत करता है वो उनका नाम बखूबी जानता है फिर उनकी शरीक हयात उनकी तालिबा और उनके साथ काम करने वाली उनके साथ ज़िंदगी गुजारने वाली शख्सियत जिनका नाम जेबन ज़ूबी है वो उनके साथ रहीं वो अब उनकी थीम को उनकी फ़िलासफ़ी को और उनके आर्ट को उनकी लेगेसी को आज भी लेकर चल रही हैं ना सिर्फ़ ये कि आज़िर ज़ूबी साहब के काम को बल्कि वो ख़ुद अपनी ज़ात में एक उम्दा शख्सियत एक उम्दा आर्टिस्ट और एक उम्दा उस्ताद है तो हमने आज उनको मद़ु किया है और बग़ैर किसी तख़ीर के मैं चाहता हूँ कि मैं उनको आपसे मुतारफ़ कराऊँ तो आज हमारे साथ हैं जेबन ज़ूबी असल कैसी हैं आप मैं बिल्कुल खैरियत से आपके आप आप आने से हमारा स्टूडियो महक गया रंगा रंग हो गया हाँ रंग बातें करें और हाँ, बातों से खुशबू बा, वाह 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 आज तो आपको रंगों की खुशबू आई क्या बात है क्या बात है अच्छा तो हम चूंकि यहाँ चाय असली वाली पिलाते हैं बिल्कुल अच्छा असली ये चाय अभी बनेगी तो अच्छा। आप कितना मीठा लेंगी पत्ती कितनी होनी चाहिए आप बता सकती हैं मैं काफी मीठी हूँ अगर कम मीठा भी होगा भी होगा तो भी भाई हल्के चीनी और जैसी बनाते और मामूली सी कड़क कड़वी ना हो बस तो ठीक है जरूर चाय ये आपको पिलवाते हैं बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला आप तशरीफ लाएँ अच्छा सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आप एक स्कूल ऑफ डेकोर चलाती हैं जिसमें पेंटिंग और इंटीरियर डिज़ाइनिंग और दीगर जितने फ़नून हैं आर्ट के उससे रिलेटेड आप ना सिर्फ ये कि पढ़ाती हैं बल्कि तालब इम आते हैं दाखिला लेते हैं तो यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं तो क्या कैसे ये स्कूल कब का कायम हुआ और किस तरह से आप इसको लेकर आजकल चल रही हैं जी हाँ देखिए आजहर ज़ुबी साहब ने उन्हें आर्टिस्ट भी थे वो स्कल्प्टर भी थे और मतलब हर शोबे में वो आर्ट के काम करते थे तो उन्हें टीचिंग का भी बड़ा शौक़ था अच्छा। वो टीचर भी बनना चाहते थे तो उन्होंने सबसे पहले तो कराची में जो हमारा आर्ट्स काउंसिल है उसका इंस्टीट्यूट जो है फाउंडर प्रिंसिपल है वो अच्छा, है। अच्छा। तो उन्होंने वहाँ पे वो कायम किया वो सिखाना शुरू किया लोगों को आर्ट की तालीम देनी शुरू की फिर उसके बाद उनका अपना भी एक मेरा ख़्याल है वहाँ पे इंस्टीट्यूट था जो उन्होंने खोला था जहाँ पे डांस ड्रामा आर्ट ये सारा दिया जाता था वो मेरा ख्याल सदर में हाँ उसके बाद वो आर्ट्स काउंसिल फिर उसके बाद जो है उन्होंने आर्ट्स काउंसिल छोड़ा तो यहां, उस, उसके बाद वहाँ पे जाहिर है दूसरे लोग आना शुरू हो गए थोड़ी सियासत शुरू हो गई अच्छा तो उन्होंने फिर वहाँ से छोड़ कर यहाँ सिक्सटी एट में यहाँ आ गए जी जी और सिक्सटी एट पर आ गए और यहाँ पर इन्होंने बुनियाद डाली स्कूल ऑफ टेक की ठीक जो कि पाकिस्तान का पहला जो है इंटीरियर डिजाइनिंग डेकोरेशन का इंस्टीट्यूट है और यहाँ पर उन्होंने और ये सेवनटी वन में फिर रजिस्टर्ड हुआ एजुकेशनल सोसाइटीज़ एक्ट के तहत तो यानी अगर इसको कोई तालबिल अगर चाहता है इसमें दाखिला लेना और वो अगर गूगल करेगा तो एड्रेस वगैरह मिल जाएगा आसानी से जी जी मिल जाएगा जाहिर सेवनटी वन से हमारे बल्कि सिक्सटी एट से सेवनटी वन से रजिस्ट्रेशन के बाद जो है डिप्लोमा जा रहे हैं ठीक है तो उनकी एक अहमियत है इंटरनेशनली भी रिकगनाइज हैं जहाँ कहीं भी लेके जाते हैं रिकोगनाइज किया ठीक है अच्छा ये बताइए जब कोई बड़ा नाम आपके नाम के साथ जुड़ा होता है हाँ। तो एक गैर इरादी तौर पर जो नाइंसाफ़ी हो जाती है कभी कभी मैंने देखा है वो ये होती है कि बड़े नाम के साय में वो नाम कहीं दब जाता है दब जाता। लेकिन आपने ना सिर्फ ये कि आज़िर साहब की लेगेसी को बरकरार रखा बल्कि आपने अपनी भी जगह बनाई और ऐसा ऐसा काम आपने किया अभी मैं उस पर बात करूंगा तो क्या शुरू में जब आप जाहिर जूनियर थी तो ये मुश्किल तो पेश आई होगी नहीं मुझे अभी तक ये मुश्किल <laughs> इसलिए कर काम करें हाँ। ये घना आप इनके साए तले वो फल नहीं बेशक। लेकिन मैंने कहा ठीक है फिर भी मैं अपना रास्ता बनाती रही करती रही जहाँ तक मैं कर सकी लेकिन उनका मकाम तो एक मास्टर का मकाम है तो उस तक तो पहुंचना आसान नहीं है लेकिन मुझे फखर है कि मैं उनकी शागिर्द भी हूँ और उनके साथ उनका सारा कुछ कंपेनियन भी उनकी सारा कुछ मैंने उनके साथ ही सीखा किया और मेरी जिंदगी का ये बहुत अच्छा बल्कि मैं मैं पाकिस्तान के उन तमाम लोगों की तरफ से जिन्हें आर्ट पसंद है और जिन्हें आजिर जूबी साहब पसंद है उनकी तरफ से शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने उनकी लेगेसी को संभाला ये हाँ। एक अपनी जगह एक बड़ा हाँ। काम है और मैं उन्हें आपको एक बताऊं उनके मुजस्मा के हिसाब से कि उस वक्त वो मेरा ही मुजस्मा बना रहे थे अच्छा। जिस वक्त उन्होंने वो मिट्टी से कर लिया था। और जो है मोल्डिंग और कास्टिंग मैंने खुद करवाई और जो तो है ये ये बात सोचने में आ, बहुत दुख देने वाली भी है और बहुत हैरत अंगेज भी है। ये मैंने किया यानी दूसरे दिन ही मैंने ये सारा कुछ किया और बल्कि इससे भी ज्यादा ये कि मैं कब्रस्तान भी उन्हें छोड़ कर आई मैं जो हालांकि कहते हैं नहीं जाना चाहिए लेकिन मैं सारा सारा कुछ मैंने किया नहीं नहीं आपने वाकई बहुत आपने बड़ापन है आपका कि आपने ना सिर्फ उनकी जिंदगी में बल्कि उसके बाद भी हाँ। इतने बरसों बाद भी आज भी आप उस लेगेसी को कायम बिल्कुल मैं चाह रही हूँ कि अब ये इदारा जो है एक यूनिवर्सिटी बन जाए और इसमें लोग जो आके तालीम हासिल करें हमारे यहाँ आर्ट की वैसे ही कमी है तो आर्ट की डिज़ाइन की तालीम हासिल करें हम भी इंटरनेशनल लेवल पे आते हैं मेरा क्या चाहता है ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की तरह की कोई चीज़ के बना के दूं। की चीज़। ये मेरा एक मिशन है म्यूजियम भी बनाना चाहती हूँ म्यूज़ियम भी बनाना चाहती हूँ सारा इतना सारा काम है इतने अरसे का है हमारी अपनी भी एक नेशन की पहचान हो जो है हमारी भी चीज़ें हों आर्ट की हमारा भी डिस्प्ले हो देख सकें लेकिन हमारे यहाँ है ही नहीं है ऐसा तो अब मैं इस जदोजहद में लगी हुई हूँ देखे मियाँ कब मुझे कामयाबी देता है मैं इसको एक पहुंचाना चाहती हूँ बिल्कुल सही बल्कि अगर हुकूमत वक्त के नुमाइंदे देख रहे हो तो मैं उनसे ये कहूँगा कि ये आजी साहब का नाम वो एक लेगसी है पाकिस्तान का फ़खर है अगर ये म्यूज़ियम और ये अदारा जो कह रही हैं आर्ट का बनाने में आप इनकी मदद करें तो तारीख में ना सिर्फ ये कि आज़र ज़ूबी और जेबन जू भी जिंदा रहेंगी बल्कि आप लोग भी जिंदा रहेंगे जो इसमें मदद करेंगे बिल्कु। तो बिल्कुल बिल्कुल क्यों नहीं हर पाकिस्तानी चाहेगा कि ये काम इस तरह और का। आने वाली नस्लों के लिए एक तालीम गाह बन जाएगी जिसमें वो हासिल कर सकेंगे देखे इंसान जो अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाता है देखे इंसान तो सभी है ना का ना के एक जिसम अगर किसी का एक्सरे ले लें तो वो एक सही है उसमें कोई फर्क नहीं है तो हम अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाते हैं हम अपनी वैल्यू जो है नॉलेज से बढ़ाते नॉलेज से बढ़ाते हैं। इल्म से बढ़ाते बेशक जो जितना इल्म हासिल करेगा उतनी वो वैल्यू हासिल कर लेगा सही तो इल्म की इतनी अहमियत है इसीलिए हमारे कुरान में भी ये है जिसको हम समझते नहीं हैं कि इल्म पर सबसे ज़्यादा जोर दिया है कि इल्म हासिल इल्म करो कायनात की चीज़ों पर गौर व फिक्र करो ये तुम्हें ऐसे ही नहीं पैदा कर दी गई हैं आप इसको सोचें समझें तो उसमें एक बड़ी अच्छी बात है कि जब इनसे कहा जाता है कुछ ईमान की बात ये कहते हैं हमारे बाप दादा करते थे तो हम क्यों छोड़ दें वही चीज आज हम वही लेके भैया यानी कुरान ये कह रहे हैं आप खुद सोचें समझें आगे काम बिल्कुल सही तो ये तालीम सही हम कर सकते हैं बिल्कुल ठीक है अच्छा ये बताइए कि अब जैसे ये आपके बिल्कुल बराबर में ये मुजस्मा रखा हुआ है जो कि एक ममता की एक مجسم एक مجسمہ ہے یہ और माँ और औलाद का जो रिश्ता है आज़िर ज़ूबी साहब की आपने मुझे बताया कि ये उनकी मेन थीम भी थी हाँ, ये बहुत और उसके अलावा भी उनके बहुत सारे उन्होंने लोक दास्तानों पर और दीगर चीज़ों पे काम किया ये मेरे पास तो पूरी फ़ाइल है मैं क्या क्या अब बताऊँ और दिखाऊँ जैसे ये देखिए कुछ ये इनके ये अच्छा ये जेबन ज़ूबी साहबा का प्रोफाइल है काम अभी इस पर मैं बात करूँगा और ये देखिए आपके ये पूरी फाइल है यानी मैं सोच रहा हूँ कि इस पर मैं कुछ लिखूँ एज़ जर्नलिस्ट तो फिर मैं उसमें दिखाऊंगा इसमें सब डिटेल है मुख्तसर करके अगर बताऊं कि फातमा जिना जैसी शख्सियत मादर मिलत उनका मुजस्मा भी आज़र ज़ूबी साहब ने बनाया और उसमें फातमा जिना जो हैं उन्होंने अपनी खिदमात यूँ पेश कि उन्होंने इजाज़त भी दी और एक एज़ मॉडल अगर किसी का मुजस्मा बनाया जाता है तो है। उसमें वो बैठी भी उस तरह से और उन्होंने बनाया जी जी। और जिस तरह आप मजीद बता रही थी इन आजूबी साहब के हवाले से और जो काम उन्होंने मुख्तलिफ के लिए किए और सर उन्होंने ये इस्लामाबाद में जो उनका काम डिस्प्ले है जी। लोक विरसा में लोक विरसा में शकर पड़ी शकर म्यूजियम जो बना है वहाँ पर और इसमें देखे तमाम वो हमारे अदीब शायर उनके जो है उन्होंने जो है बनाए है उसमें मंटू मिंटू मिंटू कहते हैं मिंटू है लेकिन मंटू गलत तो लाम हुआ है मिंटू <laughs> जी उसमें जो आपके अशफाक अहमद हैं उसमें जो है हफीज रुमानी हैं जी हफीज जालिंदरी हैं जी और जो बल्कि ये ये देखे ना ये जो अफकार का नंबर है खुसूसी नंबर इसमें उनमें से ज्यादातर शख्सियात ने लिखा भी है हाँ, इसमें लिखा आजिर जोबी साहब पर और ये एक रिसाला देखिए शौर ये आज़र आजिर साहब निकाला करते थे आर्ट और अदब का शाहकार रिसाला जो कि बंद हो चुका है हाँ। और ये भी देखना चाहिए इदारों को कि इस तरह की चीज़ें बंद नहीं होनी चाहिए और ये सहबा लखनवी साहब जो रिसाला निकालते थे अफकार उसका ये ये आज़र नंबर जी, जी नंबर जो आप पहले आर्टिस्ट पे पे किसी पे जी। निकला है जी। ये नंबर। वरना तो वो अदीबों और शायरों निकाला करते बिल्कुल सही बात पहला बिल्कुल और ये जो हमारे सामने रखा हुआ है ये मॉडल अल्लाह का नाम ये उस जमाने में आज़र साहब ने बनाया थ्री इसको जब थ्री का कोई कॉन्सेप्ट यहाँ आया नहीं था नहीं था, था। यानी 1400 साल में वो पहले मुसलमान मुशविर हैं खत्तात हैं मुजस्वा हैं जिन्होंने खत्ताती को थ्री डायमेंशनल जो, जो है वो दिया है दिया। और इस वक्त कराची में अल्लाह तीन हैं जो थ्री डायमेंशनल बने हुए हैं ठीक है उसमें एक तो हम तारिक रोड पे देखते हैं जो बना हुआ है चुरंगी अल्लाह वाली एक केपीटी में है, है। एक कैनप में है कैनप में दो साइड से पढ़ा जाता है ठीक है बाकी ये चारों तरफ से दोनों पढ़े जाते हैं केपीटी में तो वो नीचे 96 सिक्स फीट कॉलर जो है डायमीटर उसमें आयात है कुरान की है। जो समंदर के मुतालिक है और नीचे सौ साल में जो जहाज आए थे अच्छा उनकी सारी

तो बड़ी आसानी से उसको रिपेयर कर सकते हैं उसी अच्छा, अच्छा। आ, प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ ही बिल्कुल सही तो अब थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि आप अपने बारे में बताएं आपने जो काम मैं अपनी तारीफ कर नहीं नहीं तारीफ, <laughs> नहीं तारीफ नहीं है बाज दफ़ा हमें बताना पड़ता है मजबूरी है अब सोशल मीडिया का दौर है हर चीज खुद बतानी पड़ती है हा, नहीं सही बात तो आपने जो काम किया वो जितनी पेंटिंग्स की काइंड हैं अकसाम हैं उन सब में आपने काम किया ऑयल पेंटिंग में भी किया आपने वाटर कलर में भी किया खताती भी आपने की पेंसिल स्केचेस भी की सब कुछ ही किया सब कुछ किया तो मैं

अच्छा मैं मैं चाहता हूं कि ये ज़रा बात हम तफसील से करें तो एक चाय का वक़ा लेते हैं जी, 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 और आपको चाय भी पिलाते हैं भाई चाय लाइए अगर बन गई है और नाजरीन मेरा ख़्याल है इससे हसीन गुफ्तु हो नहीं सकती जो इस वक्त हो रही है और जिस तरह आज़िर ज़ूबी साहब को आज याद करके मुझे सरशारी हो रही है और आपको भी हो रही होगी इस गुफ्तु के सिलसिले को यहीं से वापस जोड़ते आप भी अपनी चाय तैयार कीजिए और वापस आइए और हम भी आते जी हाँ बात हो रही है जेबन ज़ूबी साहबा से और साथ में हम यादें ताज़ा कर रहे हैं आज़र ज़ूबी साहब की तो आप बता रही थी अपने काम के हवाले से बल्कि मेरे सामने ये जो रखा हुआ है मैं एक नज़र ये दिखाऊंगा अभी स्क्रीन पे ये आपने 31 शोरा जिनमें मेंजा जो है सीरीज़ ये चाय भी आ गई तो ये आपने आ, काम किया जी जी और ये अमीर खुसरो से आपने शुरू करके या यानी यानी ये सीक्वेंस अमीर खुसरो से लेके परवीन शाकिर के जमाने कहा उनके ऊपर जो है हुँ, किया हुँ, तो उसमें असल में ये मुझे इंस्पिरेशन कैसे हुई ये परवीन शाकिर की एक्सीडेंट में डेथ हुई थी तो अखबार में उनका आखिरी गजल या आखिरी जो शेर था उसमें था तेरे पैमाने में गर्दिश नहीं बाकी हुँ। साकी हुँ। और अब तेरी वजन से कोई उठा चाहता है हाय हाय ये जो आपने बनाया ये मैं तो ये मेरे एकदम मुझे ना क्लिक किया यानी मैं इससे बड़ी मुतासिर हुई और मैंने ये बनाना शुरू कर दिया अब देखें जैसे ये ऊपर से एक वो जाम भर रहा है वो गर्दिश में है पैमाने में बाकी नहीं वो गिर गया नीचे और वो ऊपर जो है वो खुशबू थी इनकी पहली किताब क्या बात है बिल्कुल वो खुशबू और ये नीचे इनके हाथ में कलम ये छूट रहा है आए है। किताब वो छूट रही है और वो जैसे उठ के जा रही हैं तो ये चीज़ जो है मुझे आई मैंने तो बनाया फिर 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 उसके बाद क्या चल है शुरू और अमीर खुसरो तक फिर आप इसको। फिर मैं अमीर खुसरो खुसरो तक आप मैं आ गए ये पूरी लिस्ट आपने दी पूरी लिस्ट जो मीर है मीर तकी मीर मिर्जा गालिब दहलवी जिगर मुरादाबादी बहादुर शाह जफर मतलब पूरी जो भी वो सारे और इसकी सिलेक्शन में वो हमारे पास मोहम्मद अली सिद्दीकी साहब जो वो मोहम्मदी थे किताबों के भी बहुत थी। बड़े, बड़े थी। नकाद भी। वो भी कुछ शेर ढूंढ के ले आते थे कुछ आज भी साहब शेर ढूंढ लेते थे यानि... वो बताते थे आ... मेरी काफी हेल्प कर देते थे की ये शेर ले अगर ये मैं ये कहूँ की पूरी शायरी की अगर आर्ट की शक्ल में तारीख किसी ने देखनी है तो आपका ये काम आपका दे बिल्कुल उस उसपे सारे ये आपको मिल मिल जाएंगे थीग। थीग। सब जाएंगे उस सब अच्छा इसके अलावा जी भी वाह वाह वा, क्या बात है तो ये जो आपके ये बिल्कुल बराबर में ये पेंटिंग है सांप सीढ़ी वाली फिर ये कबूतर आपने पेंट किए हुए तो ये इस तरह का और काम आप पेंसिल आप पेन स्केच करती हैं पेन भी है पेन और पेंसिल ये मेरे सामने देखिए इनका एक कलेक्शन है अल्लाह ताला के निनानवे नामों को इन्होंने बहुत ही पेन वर्क में किया है इस तरह का ये काम तो ये ये जरा बताइए आप आप आर्टिस्ट बनी कैसे जरा कहानी यहाँ से शुरू होगी मैं आर्टिस्ट बनी कैसे वैसे वैसे तो मैंने सियासतदान बनना था अच्छा। <laughs> लेकिन ये है कि फिर चाय भी मैं अच्छा जो है काम कर, कर लिया करती थी पेंटिंग का ड्राइंग का तो जब मैं कहती थी कि भाई मैंने तो सियासतदान बनना है तो मेरे भाई वगैरह गुस्से हुआ करते थे कि भाई तुम्हें पता है कि कितनी मुश्किलें होती हैं उनकी जिंदगी में जेलों में जाना मैंने सब करूंगी लेकिन होते होते फिर पता नहीं आर्ट की तरफ चली गई वैसे ही वो जो आपका एक कोई हिटलर वो भी तो पहले जो था ना वो भी आर्टिस्ट था उसने भी कुछ पेंटिंग्स की हुई थी उसके बाद वो खतरनाक हाँ देख ले। <laughs> पड़ेगा हाँ बिल्कुल देखे बिल्कुल डरना पड़ेगा वा वा। तो उसके बाद जो है मैं इस तरफ आ गई कि पे चलो पेंटिंग कर लो फिर मैं जाहिर है कहा सबसे ज्यादा मज़ा किस काइंड ऑफ आर्ट में करते हुए आपको आता मुजस्मा सजी एक अच्छा फर्क है।, है अच्छा है अच्छा इसमें यह है कि फिजिकल वर्क आपको बहुत करना पड़ता है फिजिकल से मुराद ये है कि मोल्डिंग भी करनी पड़ती है कास्टिंग भी करना पड़ता है यानी एक वो है अच्छा ऑयल का जो है उससे थोड़ा कम है ठीक कपड़ा होता है ब्रश स्ट्रोक ज्यादा बड़ी लंबी उसमें भी, भी है वाटर कलर बड़ा आसानी से हो जाता है उसमें फ्लो होता है वॉटर कलर का हल्के से ब्रश लगाने होते हैं वो जरा आसानी लेकिन ये है कि अफेक्ट आपको हर एक में लाना पड़ता है सही बात बिल्कुल ठीक है चाय बताएं कैसी है पी अच्छा भाई अच्छी चाय है यार आज तो बहुत मूड अच्छा लग रहा है इसका इसके चार्जेस तो नहीं लेंगे नहीं ना? नहीं कोई चार्जेस नहीं <laughs> अच्छा बिल्कुल ठीक है अच्छा ये बताइए ये ज़ूबी साहब का कुछ काम ये इसमें भी है जो इनका पेन वर्क है तो अगर मैं एक नजर यहाँ से पहले ये टाइटल दिखाऊं तो ये देखिए अगर अंदर से आप ये क्या अवेलेबल है कहीं कोई लेना चाहे जी, और जी इसकी मेरे पास अभी सिर्फ जो है साठ सत्तर किताबें रह गई हैं अच्छा अच्छा खत्म हो गया है अब ये प्रिंट भी नहीं हो सकेगी क्योंकि ओरिजिनल लेंगे इसकी तो ये इसकी अब बहुत कीमती किताब हो गई है ये सही अब ये अवेलेबल सिर्फ साठ सत्तर की अच्छा अच्छा बीइंग अ आर्टिस्ट एक फनकार होने के नाते आपका गुजारा आज के दौर में बतौर मुशवरा ठीक हो जाता है <laughs> चले जवाब आ गया <laughs> क्या कह दी यानी रियल काम करने वाले को चाहे वो किसी भी शोबे कि में उसे हो मुश्किल हो होंगी और इतनी मुश्किल क्योंकि देखें एक जो काम बिक रहा है ना ठीक है वो बिका आपने भी आके जल्दी से किया आपने किया आर्ट गैलरी ने कहा आपको जी ऐसा ही काम बना के इधर रखते हैं अच्छा। वो तो आप ठीक है बिक गया लेकिन वो भी एक हद तक ही बिकेगा लेकिन आम तौर पे ख्याल है कि ये आर्टिस्ट वगैरह पेंटर वगैरह बड़े अमीर होते हैं वो ये होता है कि जब उनकी काफ़ी से बाद जो है एक तो पी से भी बहुत पेंटिंग बिकती है अच्छा। पी पीआर भी होता है लेकिन उसमें भी जी इधर लगवा दो ये कर दो अच्छा। वो कर दो तो वो आर्टिस्ट नहीं होते फिर वो थोड़े दिनों बाद उनका काम हाँ उनका काम देखिए अच्छी पेंटिंग वो होगी जैसे आपका सुर होता है म्यूज़िक होती है तो उसमें आप जब भी सुने तो आपको अच्छा लगता है लेकिन ये जो तो ढां ढा इधर उधर मारा टेढ़ा सीधा मुंह यूं करके आप एक साल रखेंगे दो साल रखेंगे तीसरे साल आपके जहन पे बोझ पड़ेगा आप उठा देंगे उसको वहां से सही, सही पेंटिंग की पहचान ये है कि वो लगी हुई है आपके जहन को डिस्टर्ब नहीं कर रही वो अच्छी लग रही है अच्छी लग रही है लग रही है जब भी है वो आपको आप उसको हटाएं नहीं हटाएं लगा सौ साल भी लगा रहने थे आपको कुछ नहीं कहेगी लेकिन ये जो उल्टी सीधी बनी होती है ना जैसे म्यूजिक होता है वो अगर रिदम में ना हो तो आपके जैसे कानों पे और वो उसके थोड़े पहले वक्त तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि वाह 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 लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप उसको साइड पे कर हैं ठीक बिल्कुल सही अच्छा अब आप आजकल क्या काम कर रही हैं आगे क्या इरादा रखती हैं मज़ीद किस तरह का काम करने का ख्वाहिश है देखिए अभी तक तो मैं समझती हूँ मैंने कुछ किया ही नहीं है अभी तक मुझसे मैं चाह रही हूँ कि कुछ कर लूँ इससे रोज यही सोचती हूँ कि क्या नई चीज़ बनाऊँ क्या करूँ तो वैसे ये जब मैंने फिगर्स बनाए थे तो हमीद जमान साहब ने कहा था ये फ़िगर्स आपने कैसे बनाए क्योंकि ये मेरे अपने ही बनाए हुए थे और ये देखेंगे मेरा हर काम हर एग्जीबिशन जो होती है पहली एग्जीबिशन से जो है मुख्तलिफ होती है वैसा ही नहीं उसमें टॉपिक होता वैसा ही नहीं होता कोशिश करती हूँ और जब एक कैनवास ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद जो है दूसरा कैनवास या पेपर रखो तो बिल्कुल ब्लैक होता है ब्लैंक होता है और खुद भी इंसान ब्लैंक होता है, ब्लैंक होता, क्या करे इसके ऊपर वो ही बना दे नहीं वो नहीं तो बाज तो एक ही यानी पेंटिंग। इसमें भी आमद का मामला है। है, है। शायरी है, है। है, ये है बिल्कुल है शायरी की तरह ये भी आमद ही बंदे बंदे क्या, क्या बंदा चला जा रहा है आप सोच रहे हैं ये ना माने मैं हाँ हाँ। हाँ। लेकिन नहीं एब्स्ट्रैक्ट भी हैं हाँ। लेकिन देखिए पिकासो को बहुत सारे लोग कॉपी करते हैं पिकासो ने एब्स्ट्रैक्ट किया जी लेकिन पिकासो जैसी बना नहीं सकते जी आप पिकासो तो एक ही था ना दुनिया वो एक ही था वो यही चीज जो है यही। आपकी यही है कि सही आप किस तरह बना। सही। सही। अच्छा आजिजूबी साहब से आपकी मुलाकात किस तरह हुई और फिर शादी कैसे हुई ये भी बड़ा जरूरी सवाल है <laughs> <laughs> चले छोड़िए <laughs> मैं उनकी चले मुलाकात कैसी हुई हाँ जी मैं उनकी जाहिर है शागिर्द बन के आई मैं सीखने आई थी उनसे सारा कुछ मैंने उन्हीं से स्कूल ऑफ डेकोर में स्कूल ऑफ डेकोर में ही सीखा और सारा कुछ मैंने उन्हीं से सही सही वही मेरे सब कुछ तो उस उस जमाने की यादें बताएं उनके पास इतने बड़े बड़े लोग आते जाते सब सबसे मेरी मुलाकात होती थी उसमें जो है चाहे कोई गुलुकार हो, चाहे हाँ, कोई गुलुकार, हो, चाहे कोई गुलीबीब सभी आते थे वहाँ पे और तो आप इन यादों को कोई किताबी शक्ल में क्यों नहीं लिखती हाँ मैंने कुछ लिखा है अच्छा कुछ लिखा भी है कुछ और भी लिखूंगी तो लिखूंगी हाँ, नहीं, लिखूंगी ये, मुझे ये... लिखना चाहिए इसको क्योंकि वहाँ इस कौन था मतलब सारी अदबी शख्सियात टीवी से भी रेडियो से भी दूसरा सब आते थे वहाँ पे बिल्कुल और ये बल्कि जब इसकी बुनियाद रखी गई आपकी स्कूल ऑफ डेकोर की तो उसमें जो है मीर रहमान जंग के जो थे वो भी इसमें शामिल थे सही और दूसरे भी बहुत सारे लोग जो थे बिल्कुल मैंने इश्फाक साहब की तहरीरों में पढ़ा है हाँ, 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 साहब हाँ. के बारे में मुमताज मुफ्ती ने बहुत जिक्र किया जुबी, हाँ, जुबी साहब का मुमताज मुफ्ती ने उसमें जो है तो वाकई अपने अहद के बड़े आदमी थे ना सब उनको याद करते थे समझते साथ से इनकी एक जो है दोस्त उनका ये था की एक चल के नहीं जाते थे कहीं पे काम लेने तो खुद दूसरा जो है जब तक के, आ के उनके पास अपना बनवा चुरंगी भी जी। कैसे बन गई की रहमान गिरामी साहब ने उन्हें फोन किया था अच्छा। कि आप जो है डिजाइन में वाह क्या बात नहीं कहते कि जरूर बिल्कुल और मजीद बात करनी है एक छोटा सा वक्फा लेते और वापस आते जी गुफगु हो रही है जेबन से और आप बता रही थी कि आपको किस तरह का काम पसंद है और किस किस अंदाज में आप करती शोरा की बात हो थी जी, 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 उसके जो, उसके जो नकुश है, हाँ, चेहरा जो है, जो है उसका चेहरे हुँ, का हुँ, वो उसका अपना है ठीक है। शायर अपने शेर के साथ मौजूद है बिल्कुल परवीन शाकिर अपने शेर के साथ मौजूद है और ये है की थर्टी में से एक ही खातून है बाकी सारे वाह क्या बात है सारे जो है शायर हैं वाह 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 वा, जबरदस्त नहीं असल में आपने एक मुसवरी की शक्ल में तारीख रकम कर दी मैंने बिल्कुल वो एक तरह की तो ये किसी किताब किताब या किताबचे की शक्ल में बहुत हाँ। तो ये किताब की शक्ल में आ जाए मेरा इरादा ये है कि एक तरफ तो वो आ जाए इसकी पेंटिंग इसकी जो भी है और राइट हैंड पे उसका उर्दू में ऊपर शेर आए नीचे इंग्लिश

जिस तरह का उसका हुलिया होता था वो आ, उसके साथ रहे बिल्कुल बिल्कुल अच्छा आप एब्स्ट्रैक्ट भी करती हैं और जैसे ये सांप सीढ़ी आपके बराबर में पेंटिंग नजर भी आ रही है हा, हा। ये सांप सीढ़ी कॉन्सेप्ट देखा जाए तो पूरी जिंदगी की फिलोसफी यही है। जी, बिल्कुल यही है मैंने वो शतरंज के खिलाड़ी अच्छा। वो एक सीरीज पेंट की हाँ। पे ये भी आ गया। अच्छा, तो ये सीरीज के नाम जरा बताइए जिन पे आपने काम किया मैंने इसमें शतरंज के खिलाड़ी में जो आपके हाथी घोड़े क्वीन ये वो उसको उसको लिया उसको बनाया चेस बोर्ड आजकल नेटफ्लिक्स पे पाकिस्तान हाँ। में जो सबसे नंबर वन है हाँ। वो एक गैम्बिट क्वीन के नाम से सीरीज चल रही है और वो यही है अच्छा यही है यही है कि वो शतरंज की माहिर होती है उसकी जिंदगी की कहानी कहानी ये वाकई ये जिंदगी एक शतरंज का वो है, खेल है आपको कोई पीटते आप किसी को पीटते हैं आप किस तरह आगे जाते हैं और ये जो सांप सीढ़ी का आप यही यही देखें ना खेल है सही। वो वो है आओ खेले। तो उसमें खेल रहे हैं और मैंने ये कबूतरों वाली थीम ये कबूतर के साथ उनको कॉपी नहीं किया मैंने थोड़ा अपना है कि इसमें जो है कबूतर अच्छा लगता है खूबसूरत है, है मासूम परिंदा है अच्छा लगता है तो इसलिए मैंने कबूतर आया से इनमें कबूतर बना दिए ठीक है अच्छा फिर ही, फिर मैंने यहाँ हमारी अब जैसे अगर मुझे ये भी आप दिखा रही थी कि ये देखिएगा ये इनका एक थीम है उसके ऊपर एक पूरी एग्जीबिशन हुई और ये इसका पूरा ब्रोशर और इसमें सारी इनकी तफसील है और बहुत ही बहुत ही ज्यादा मुतासर होने हाँ। तो ये क्या थी, ये में? थीम ये है कि देखें ये लड़की जो है एक पौधा लगा रही है और वो इसका इंतजार कर रही है कि ये एक दिन जो है करेगा देगा और दर जो है ये बनेगा इर्दिर्द जो हैं वो हैं उसको देखें थोड़ा सा मैंने स्टाइल से किया किया है है मतलब ये 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 इंतजार 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 में है उसके कि भी भी एक ये हालत इंतजार को पेंट हा, हा, वाह जस्ट जस्ट वेटिंग वेटिंग इस सीरीज का नाम अच्छा वो फिर मैंने हमारी

इनके साथ शायद ज्यादा हो गई हाँ, लेकिन ये शायद सच्चे ज्यादा थे या तो या पता नहीं क्या था मुझे यानी नहीं नहीं। ही की की। हाँ, हीर की सही. की तो उनके भी फिर वही कपड़ों का ख्याल रखा उस एरिए के मौसम कैसा है उसका ख्याल रखा सारा कुछ करके उनको भी मैंने पेंट किया फिर उसके बाद एक मैंने बनाया मीनार गुम्बद और मेहराब अच्छा। इसके ऊपर भी मैंने एक सीरीज कर दी मस्जिद की अच्छा। हाँ। इस पर से दो मेरे कार्ड छप गए कहाँ कहाँ डिस्प्ले है मेरा देखे एक तो निन्यानवे नाम जो है वो वहाँ पर है कराची यूनिवर्सिटी में है एरिया पाकिस्तान स्टडी सेंटर में है उनका वहाँ पे वो डिस्प्ले है, है। बाकी और बाकी घरों में दूसरी जगहों पे कुछ मेरी पेंटिंग मैंने जिमखाना में है तो इस करके जहाँ कहीं भी कोई लेकर गया है वो लगा लिया उसने सही और आजर साहब का काम कहां कहां डिस्प्ले है एक बार बता दें ताकि जो देखना चाहे उनका एक तो म्यूरल है जो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में लगा हुआ है अवेकनिंग किस शहर में पाकिस्तान कराची कराची में नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान वो ये है कि जब 6 सितंबर को हमला हुआ था पाकिस्तान पे तो सिक्सटी फाइव में तो वो उन्होंने वो एक पूरा म्यूरल बनाया है जिसमें ना जिसको जो भी मिला कुछ दरांती मिली ये मिला एकदम बंदूक मिली जैसे वो उठे एकदम पूरी कॉम उठी और उसने मुकाबले के लिए हम है। तैयार हैं और वो उस करके उठे और वो उसका पूरा एक म्यूरल है वहाँ लगा हुआ बिल्कुल ठीक और बाकी जो है जो चली गई हैं, जहाँ पे है ये तीन अल्लाह लगे हुए हैं, बाकी सही। जो जहाँ जाती हैं है पेंडिंग बिल्कुल ठीक थी। है नहीं आप आप जब किताब लिखेंगी तो उसमें मुझे उम्मीद है कि सारा कुछ सारा कुछ वो मुझे लिखना पड़ेगा वो वो कवर वो हो जाए। कवर वो मुझे ढूंढना पड़ेगा कहाँ कहाँ अच्छा आजीर साहब का माँ और ममता जो माँ और औलाद का जो ताल्लुक और ममता की फिगरेटिव भी फिगरेटिव ज़्यादा करते थे अच्छा। वो उस पर जो है और हमारा कल्चरल पेंटिंग्स थी उनकी जितनी भी थी ठीक है और वो उनका जो एनाटमी है ना उनकी वो हमारे शायद किसी ही आर्टिस्ट की यहाँ पर ऐसी हो जो कमांड उनको एनाटमी पे और लाइन पे हासिल थी एक चुपताई साहब को जो थी ठीक है उनको लाइन पे कमांड थी एक आजी साहब को थी इनकी लाइन जो थी बहुत मजबूत होती इनकी लाइन का तो अब आप मुजस्मा सजी में ज़्यादा अपने आप को समझती हैं कि आसानी से काम करती हैं या पेंट करने में मुजस्मा सज़ी में कर तो लेती हूँ लेकिन मैं इतना करती नहीं हूँ मैं पेंट में ही ज़्यादा रहती हूँ अच्छा। इसमें एपस्टक बना देती हूँ इसमें जो है पोर्ट्रेट करती हूँ लाइव से पोर्ट्रेट करती हूँ अच्छा। जैसे सामने बिठाकर वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कोई सामने बैठे और उसका और किताबों के सारे वर्क भी बनाए हैं किसके किसके बनाए हैं एक तो देखें अफ़कार मैगजीन के मैंने टाइटल्स बनाए हैं सैबा लखनवी का सैबा लखनवी साहब के और उसके बाद बहमद अली सिद्दीकी साहब की किताब जाविए उसका टाइटल मैंने बनाया उसके बाद सुल्ताना मेहर साहिबा की ये किताब सही उनका मैंने टाइटल बनाया और भी कई किताबों के टाइटल बना दिए बीच में ये भी मैं कर लेती हूँ सारा कुछ पता नहीं क्या क्या कुछ कर लेती नहीं नहीं बहुत अच्छा करती हैं और ये जितना कुछ आपने ये मुझे दिखाया बताया है ये भी बहुत अच्छा ये आपके स्कूल के हवाले से भी एक चीज़ आपने दिखाई कि ये इसमें 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 क्या क्या कोर्सेज होते हैं क्या जी चीज़े जी। हैं चीज़ें वो सारी डिटेल ले सकती मैं पेंटिंग भी करवाती हूँ मैं उस उसमे इंटीरियर डिजाइनिंग डेकोरेशन भी करवाती हूँ और खास तौर पर जो ज्यादा ये स्कूल मशहूर है लेडीज के लिए ही है और उसमें जो है कम्फर्ट क्योंकि बाज पेरेंट्स नहीं चाहते कि वो अपने बच्चों को जो है को एजुकेशन में भेजें बास लड़कियों को शौक होता है तो वो आ जाती हैं कर लेती हैं आराम से और मैं भी उन्हें आराम से करा देती हूँ रियायत देती हैं आप तलबा को रियायत रियायत भी मिलती है। कुछ <laughs> <रियाएद> <laughs> तो मैं उन्हें यही कहती हूँ कि एक के साथ करेंगे दूसरे के साथ नहीं करेंगे तो ज्यादा हो जाएगी आ, और हम जो है आपको जो कुछ दे रहे हैं उसकी कोई कीमत नहीं है जो हम ले रहे हैं उसकी तो उसकी कीमत। कुछ कीमत नहीं है क्यूँकी जिस हिसाब से आजकल इंस्टीट्यूट चार्जेस ले रहे हैं न हमारा तो उसके हिसाब से कुछ भी नहीं है बिल्कुल ही बहुत ही मजा है बिल्कुल उसमें सब समझ लेंगे बस अल्लाह की तरफ से ही कहीं से आता है क्या बात है? बाकी इसमें तो नहीं। आप जैसे लोगों की गनीमत से ये सारे मामला चल रहे हैं और हमारी दुआ है आप इसी तरह काम करती रहे तो जाते जाते जो कोई खास तौर पे जो आर्ट के बनना चाहते हैं उनको तो कोई पैगाम करता आपको अरे छोड़ो क्या कर रही हो तुम वक्त कर रही हो तो इसी तरह मेरी एक स्टूडेंट थी वो काम करती थी उसकी शादी हो गई बीच में तो वो सास जाहिर है दो दिन चले जाओ वो चली गई तो कहती है मेरी सास जब मैं लेके जाती हूँ कहती है रख दे स्टोर में रख दे मैंने कहा अच्छा। कोई बात नहीं आप रखती जाए एक दिन आएगा यही सांस उठा के आपकी दीवार पे पेंटिंग लगाएंगे और कहेंगे ये मेरी बहू ने किया है सब आपको ऑन करेंगे मेरी कजन है मेरी रिश्तेदार है मेरी दोस्त है तो आप काम करें काम करेंगी तो मिलेगी काम के बगैर नहीं मिलेगी काम करके दिखाएं तो आपको लोग बात आपका बहुत शुक्रिया आपका आज... भी शुक्रिया आपने मुझे इतनी इज्जत अफसाई दी और मेरा जो काम जो है वो लोगों तक पहुंचाया और चले वो कहते हैं ना एक बड़ा अच्छा आर्टिस्ट डाइस आर्ट हाँ हा, क्या बात है सही बात है तो बहुत शुक्रिया हमें भी बहुत अच्छा लगा हमारी खुशनसीबी आज हमारे स्टूडियो आपकी पेंटिंग से आज़िर ज़ूबी साहब की चीज़ों से महक उठा और एक ऐसी खुशबू जो बाहिर तो नज़र नहीं आएगी लेकिन उसकी महक मैं महसूस कर रहा हूँ और यह आपकी वजह से हुआ फिर किसी ज़िंदगी के मोड़ पर किसी मौके पर हम ज़रूर आपसे चाहेंगे कि दोबारा बात करें और अपने देखने वालों से कहूँगा कि ज़िंदगी बिल्कुल सादे सफ़े की तरह है आपका ज़ौक़ उसको रंगीन करता है आप कितने बा हैं आपका इंतखब बताएगा हमारा इंतखब ये था जो आज हमने पेश किया तो अगर आपको अच्छा लगा तो शुक्रिया नहीं भी अच्छा लगा तो हौसला अफज़ाई ज़रूर करें माशरे को अमन की मोहब्बत की रंगों की और प्यार की ज़रूरत है ताकि हमारा माशरा तरक्की करे फले फूले आगे बढ़े अपना बहुत ख्याल रखिएगा मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में दोबारा मुझे दीजिए इजाज़त खुदा हाफ़